हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम। तो गाइज, आज मैं आपको लेकर आई हूं 125 सेक्टर मोहाली में, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी एक 170 स्क्वायर यार्ड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा विला। बट उससे पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्टिविटी में, वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं, 60 फीट वाइड रोड है ये। ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ। तो आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड अगर मैं नियर बाय हॉटस्पॉट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको गोपाल्स, KFC, CCG, VR मॉल हो गया, रियाद बहार आपका इंस्टीट्यूट हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल, लाइक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नियर बाय में ईजिली मिल जाएंगी। तो आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारा फ्रंट एलिवेशन की तरफ। सो गाइज, यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छे से बाहर का ये एलिवेशन पूरा इन्होंने डिज़ाइन किया, कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है इन्होंने। लाइक आप एक बार लुक दें, कितना अच्छे से डिज़ाइन किया है। बाहर यहाँ पे मिल जाता है आपको एक ड्राइव थ्रू। लाइक आप अगर चाहेंगे तो अपनी गाड़ियाँ आप अंदर भी पार्क कर सकते हैं, अंदर भी स्पेस है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एंट्री गेट, ये है हमारा एंट्री गेट। एंड यहाँ पे आप पीछे तक स्पेस देखिए, पहले कितना ज्यादा स्पेस है यहाँ तक। लाइक यहाँ पे आप दो गाड़ियाँ इजिली पार्क कर सकते हो। प्लस अगर जैसे यहाँ पे विंडो है, अगर उसके सामने आप प्लांट्स लगाओगे, अगर मेरा घर ये होता तो मैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लांट्स लगाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप अंदर से भी देखोगे कभी तो आपको लाइक तो ग्रीन ग्रीन देखेगा, चीज़ें तो अच्छी लगती हैं लाइक। एंड इस साइड अगर आप आएंगे, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस आपको दिया गया है बाहर। लाइक आप यहाँ पे झूला लगा सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो, प्लस यूटिलिटी एरिया भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको टैप भी दिया गया, तो वाटर की सप्लाई भी यहाँ पे है, तो उस तरीके से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इसको। अब हम चलते हैं हमारी एंट्री की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन डोर। एंड इसके साथ साथ इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका वुडन वर्क हो रखा है। प्लस आप ऊपर फॉल सीलिंग देखेंगे, आपका पूरा वुडन वर्क हो रखा है। प्लस आपकी LED लाइट्स भी उसमें ऐड करी गई हैं। एंड यहाँ पे भी आपकी लाइटिंग ऐड करी गई, तो आप इमेजिन करो कि रात को ये आपका ये जो प्लेस है ये कितना ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन डोर। यहाँ पे आपको दो डोर मिल जाएंगे, आपका एक मैश डोर हो गया, एक आपका नॉर्मल डोर हो गया। तो यहाँ पे लाइक आपको वुडन का डोर मिल रहा है, ये है आपका मैश डोर। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन डोर। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इन्होंने इसको वुडन से डिज़ाइन किया हुआ है, पूरा वुडन का बना हुआ है। एंड एंट्री जैसे ही आप घर पे करेंगे, यहाँ पे इस साइड आ जाएगा आपका फैमिली लॉन्च एरिया। पहले मैं आपको यही दिखा देती हूँ, काफ़ी स्पेशियस आपको फैमिली लॉन्च यहाँ पे मिल रहा है। प्लस आप पीछे वॉलपेपर भी देख सकते हैं गाइज, इस घर में ना जितने भी रूम्स हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, उनमें जो वॉलपेपर ऐड करे गए हैं ना, बहुत ही कलेक्शन के साथ, बहुत ही चॉइस के साथ ऐड करे गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप ये भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर यहाँ पे लगाया गया है। एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी ये लग रहा है, जैसे आप बाहर से आएंगे पहली नज़र आपकी इसी पे पड़ने वाली है। तो काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे फैमिली लॉन्च मिल रहा है। आप यहाँ पे सोफ़ा ऐड कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो लाइक अपना सिटिंग स्पेस इसको बहुत हैप्पी प्लेस आप इसको बना सकते हैं। प्लस आप इधर देखेंगे, आपके डाइनिंग एरिया एंड आपके फैमिली लॉन्च एरिया को इस वुडन पीस से सेपरेट किया है। ये आप पूरा ही देख लें, यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव ये चीज़ लग रही है। प्लस इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें लाइट्स भी ऐड करी हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऊपर भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ आ जाएगा आपका फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स, एंड वुडन वर्क भी पूरा हो रखा है। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने फॉल सीलिंग को भी डिज़ाइन किया, बीच में आप देखेंगे बहुत अच्छा सा डिज़ाइन भी ऐड करा हुआ है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। एंड फिर इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका पैनल, यहाँ पे आप अपना LED लगा सकते हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस दिया गया है, काफ़ी यहाँ पे कवर्ड्स आ जाएंगे आपके।
इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना सामान स्टोर करने के लिए। प्लस यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया गया है वुडन का ही, जिसको आप अपना पूजा स्पेस भी बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे, और तरीके से भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस इसमें भी आपको नीचे यहाँ पे स्पेस दे रखा है। सो ये था हमारा फैमिली लॉन्च, हमारा डाइनिंग एरिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे किचन में। तो यहाँ है हमारा किचन। तो ये रहा आपका बहुत ही स्पेशियस एंड फुली मॉड्यूलर किचन। ये आपको एज इट इज मिलने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर कैबिनेट्स, देख सकते हैं आप हाइड्रोलिक ओपनर के साथ अपर कैबिनेट्स हैं, प्लस लोअर कैबिनेट्स देख सकते हैं आप विद सॉफ्ट क्लोजर। एंड यहाँ पे आप काउंटर टॉप देखेंगे, पूरा ग्रेनाइट का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पीछे देखेंगे आप डुअल सिंक आ जाता है आपका, टैप्स यहाँ पे आपको लगा के देंगे हम लोग। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका विंडो फॉर वेंटिलेशन, फॉर लाइटिंग के पर्पज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इस साइड भी आप देखेंगे, इस साइड भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। लाइक काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको किचन में भी यहाँ पे मिल रहा है, सब देख सकते हैं। एंड इस साइड आ जाएगा आपके अप्लाइंसेस का स्पेस, यहाँ पे आप अपना माइक्रोवेव, अपना ओवन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंट्री सेक्शन, जहाँ पे आप अपना पेंट्री स्टोर कर सकते हैं। गाइज ये जो विला मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आपका टोटल 5 BHK विला है, जिसमें 2 रूम्स आपको नीचे मिल जाएंगे एंड 3 रूम्स आपको ऊपर मिल जाएंगे, प्लस ऊपर आपको एक स्टोर रूम भी प्रोवाइडेड रहेगा। एंड गाइज ये जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी ये लाइक इसका फिनिशिंग अभी बाकी है होना। एंड आई एम श्योर ये विला इतना ज़्यादा सुंदर है कि जैसे इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, हाथ के हाथ ही बिक जाएगा। तो अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं एंड आपको ये विला पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कॉल कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये चला जाए। यहाँ आ जाएगा हमारा ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। ये भी आपको काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे रूम मिल रहा है। पहले तो आप वॉलपेपर देख लें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे ही घर में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर वॉलपेपर मिलने वाले हैं, तो उन्हीं में से एक ये भी है। यहाँ पे आपको टेक्स्चर्ड वॉलपेपर मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स विद वुडन वर्क, ये भी आपको पूरा यहाँ पे मिल रहा है। लाइक आप ऊपर का ये देखें एंड ये देखें कितना ब्यूटीफुल लुक आपके रूम को ये चीज़ें दे रही हैं। एंड प्लस यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा विंडो आपको मिल रहा है, जिससे लाइटिंग भी प्रॉपर आपके रूम में एंटर करती रहेगी। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका यूटिलिटी एरिया बाहर, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका LED पैनल, जहाँ पे आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एंटरटेनमेंट के मज़े ले सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। यहाँ आ जाएगा आपका यूटिलिटी एरिया, काफ़ी रनिंग ये दिया गया है आपके पास। यहाँ देखें आपके पास टैप का ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे, तो आप लाइक वॉशिंग वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो इजीली। एंड इस साइड आ जाएगा आपका वॉशरूम। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे मिरर हम आपको लगा के देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फिनिशिंग होनी बाकी है अभी। प्लस आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पास स्पेस आ जाएगा, ड्रॉअर आ जाएंगे जहाँ पे आप अपना मेकअप का सामान या और सामान आप यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी वगैरह। एंड यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर एंड काफ़ी अच्छी हाइट के साथ आपको यहाँ पे कबर्ड मिल रहे हैं फुल लेंथ के। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी स्पेस दिया गया है एंड नीचे भी स्पेस है। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्पेस है, लाइक अपना शूज वगैरह जो नए नए होते हैं आप बाहर नहीं रखना चाहते, उनको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इजीली। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है एंड जिसमें आपकी सारी ब्रांडेड फिटिंग हम लोग आपको करके देंगे। एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम में, बट उससे पहले मैं आपको एक स्पेस दिखाना चाहूँगी जो मैंने आपको नहीं दिखाया। यहाँ पे बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास दिया गया है, ताकि जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं या आप उनको फेंक भी नहीं सकते हैं, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। ये भी आपको काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है। एज आई सेड, यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर मिल रहा है, फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स विद वुडन वर्क यहाँ पे भी आपको प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा विंडो मिल रहा है, जहाँ से
आप बाहर भी देख सकते हैं चीज़ें, लाइक बाहर आपके गार्डन का जो है वो व्यू ले सकते हैं, बाहर की ग्रीनरी इंजॉय कर सकते हैं, प्लस वेंटिलेशन एंड लाइट भी आपको प्रॉपर रूम में आता रहेगा पूरा दिन। एंड यहाँ आ जाएगा आपका वुडन का एलईडी पैनल, जहाँ पे आप अपना एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस इस पूरे ही घर में ना आपको एलईडी पैनल सारे रूम्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे बस आपको इतना करना है कि आप अपना एलईडी लाएं और यहाँ पे लगाएं और एंटरटेनमेंट का मजा लें। और इस साइड आ जाएगा आपका कबर्ड एंड आपका वॉशरूम एरिया। बट यहाँ से पहले आपको विंडो वहाँ पे भी दिया गया है, पर आपको एक विंडो यहाँ पे भी दिया गया है। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि यहाँ पे विंडो होने का मतलब आपके इस एरिया में भी पूरा लाइट आता रहेगा, डार्कनेस यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे आप ये एक्सेस में चीज़ें देख रहे हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी जो घर का जो फिनिशिंग है वो होना बाकी है, तो ये सामान उसका यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे मिरर हम आपको लगा के देंगे। एंड नीचे आ जाएगा स्पेस आपके सामान को स्टोर करने के लिए, लाइक अपना मेकअप वगैरह, आप अपना ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हो। एंड इस साइड आ जाएगा आपका वॉशरूम एरिया, जिसमें पूरी ब्रांडेड फिटिंग हम आपको करके देंगे, प्लस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपके पास विंडो दिया गया है। लाइक पूरे घर में आपकी वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। एंड इस साइड अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको फुल हाइट के कबर्ड्स मिल रहे हैं विद स्लाइडिंग डोर, बॉटम टू टॉप यहाँ पे आपके कबर्ड्स रहेंगे, लाइक आपका सारा सामान यहाँ पे इजीली आप स्टोर कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। तो गाइज नाउ वी आर ऑल डन विद आवर ग्राउंड फ्लोर, जिसमें मैंने आपको दिखाया हमारा किचन, फैमिली लॉन्च, डाइनिंग एरिया एंड आपके दो बेडरूम्स। अब हम चलते हैं एंड हमारा फर्स्ट फ्लोर चेकआउट करेंगे। तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए एक्सेस कर सकते हैं, स्टेयर्स आपकी बिल्कुल अंदर से ही दी गई हैं। इसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि तो प्राइवेसी में इशू नहीं आता, दूसरा आपको पूरा घूम के ऊपर नहीं जाना पड़ता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे रेलिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी तो प्लाईवुड ऐड करा है इन्होंने फॉर जस्ट वीडियो, बट यहाँ पे टफन ग्लास ऐड करके आपको देंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिनिशिंग होनी अभी बाकी है सारी चीज़ों की, तो वो हम आपको यहाँ पे करके देंगे, यहाँ पे आपका टफन ग्लास लगेगा। एंड स्टेयर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मार्बल का यूज़ किया गया है, इसकी पॉलिशिंग भी पूरी हम आपको करके देंगे। एंड यहाँ पे ऊपर भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी वुडन का डिज़ाइन बनाया गया है, प्लस एलईडी लाइट्स भी यहाँ पे ऐड करी गई हैं। एंड वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं, पूरा हाइटेड आपको वॉलपेपर यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लाइटिंग ऐड करी गई है, लाइक काफ़ी अच्छे से बारीकी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं ऊपर। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं, पहले आप ऊपर देखें, आपका फॉल सीलिंग यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, प्लस यहाँ पे बीच में सेंटर में आप देखेंगे एक बार लोग, यहाँ पे ना आपके झूमर के लिए स्पेस दिया गया है, लाइक एक हुक दिया गया है, वहाँ पे आप अपना झूमर लगा सकते हैं एंड इस एरिया को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर में आते ही यहाँ जाएगा आपका पूजा स्पेस, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको डेकोरेट किया है, लाइटिंग वगैरह भी ऐड कर रखी है। एंड नीचे यहाँ पे भी आपके पास स्टोरेज के लिए स्पेस इन्होंने दे रखा है। तो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम, हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम लाइट। ये अभी फिलहाल लॉक है क्योंकि इसके अंदर सारा सामान रखा गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी फिनिशिंग अभी चल रही है, होनी बाकी है, तो यहाँ पे सारा सामान रखा गया है, तो फिलहाल अभी मैं ये आपको नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पे हम आएंगे हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ एंड दिस इज आवर फोर्थ बेडरूम। अगेन यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर प्रोवाइडेड है, ऊपर आप देखेंगे आपको फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट्स, वुडन वर्क आपका पूरा एज इट इज रहेगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, लाइटिंग भी पूरा प्रॉपर, अभी आप देख सकते हैं कि कितना लाइट आ रहा है अंदर, तो ये लाइट आपका पूरा दिन आता रहेगा यहाँ पे। एंड इसके बाहर आपको बालकनी भी मिल रही है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेशियस बालकनी मिल रही है, लाइक आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, इवन आप इसको अपना सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, इतना स्पेस है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा ही आउटर एलिवेशन इन्होंने डिज़ाइन किया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर टाइल्स यहाँ पे यूज़ करी गई हैं, ये आप इधर देखेंगे ये स्टोन वर्क यहाँ पे किया गया है। वैसे तो ये दूर से अगर हम देखेंगे तो ये टाइल लग रही है, पर टाइल नहीं है, ये स्टोन वर्क यहाँ पे किया गया है पूरा, लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन। आप ऊपर देखो, ऊपर पूरा वुडन का वर्क कर रखा है, प्लस लाइटिंग ऐड कर रखी है इसमें, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है इसको।
सो ये थी हमारी बालकनी जहाँ पे सर्दियों में मजे से आप बैठ के धूप सेक सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एलईडी पैनल जहाँ पे आप अपना एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इस साइड आ जाएगा आपका कबर्ड एंड आपका वॉशरूम का स्पेस। यहाँ पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड मिल रहे हैं जहाँ पे इजीली आपका पूरा सामान आ जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम जहाँ पे पूरी फिटिंग्स हम आपको ब्रांडेड करके देंगे, प्रोवाइडेड रहेंगे आपको सारे। सो ये था हमारा फोर्थ बेडरूम। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे पहले मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टोर। काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पे स्टोर प्रोवाइडेड है। अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिफ्थ बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस अगेन। यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर प्रोवाइडेड रहेगा, आपका फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट्स, वुडन वर्क एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी आप विंडो देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा विंडो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। एंड इस साइड अगर हम आएंगे यहाँ पे आ जाएगा कबर्ड एंड वॉशरूम एरिया। स्टार्टिंग में पहले आपको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा जहाँ पे अगेन मिरर हम आपको लगा के देंगे, प्लस नीचे भी यहाँ पे भी आपके पास स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप अपना मेकअप, आपका वैनिटी वगैरह इजीली स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स विद गुड स्पेस, फुल हाइटेड कबर्ड आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। एंड यहाँ आ जाएगा आपका वॉशरूम जिसमें अगेन हम पूरी ब्रांडिंग फिटिंग आपको करके देंगे। एंड वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपके पास एक बहुत बड़ा विंडो रहेगा। एंड इस साइड आ जाता है आपका बालकनी, तो यहाँ आ जाती है आपकी बालकनी जहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया गया है, प्लस टेरेस पे जाने का रास्ता भी आपका यहीं से आ जाता है। पहले आप इस साइड देख लीजिए, काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। अब हम चलते हैं ऊपर। तो गाइज ये आ जाएगा आपका टेरेस, टेरेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, इसको भी आप बहुत सारे तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया 170 स्क्वायर यार्ड का एक बहुत ही सुंदर सा विला जो आपका था 5 BHK, जिसमें आपको 5 rooms मिल जाएंगे विद अटैच वॉशरूम, आपका किचन आ जाएगा, आपका फैमिली लॉन्च आ जाएगा, आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा, प्लस द प्लस पॉइंट आपकी स्टेयर्स भी अंदर से ही है बिल्कुल, तो आपकी प्राइवेसी में कोई इशू नहीं आने वाला। एंड अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। मैंने आपको 60 feet वाइड रोड दिखाया था हमारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके PR7 के साथ, तो लाइक इजीली आप यहाँ से कहीं के लिए भी एक्सेस कर सकते हो। एंड बिल्कुल मेन हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है ये, 125 सेक्टर है मोहाली का। एंड नियर बाई हॉटस्पॉट्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको स्कूल्स हो गए, आपके कॉलेजेस हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गया, एंटरटेनमेंट जोन हो गया, सारा ही आपको यहाँ पे नज़दीक में मिल जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये विला कितना पसंद आया, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इस विला को फिज़िकली यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, फिज़िकली देखना चाहते हैं, या आप इसको बाय करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लेकर आएंगे आपके लिए एक नया घर। टिल देन टाटा बाय बाय।